देश के स्वातंत्र का 75वां वर्ष मनाते मनाते अपने इस मातृभूमि के रक्त रंजित विभाजन को भूलना नहीं, अपने उन स्थानों को भी नहीं भूलना, अपने उन नगरों को, शहरों को, मंदिरों को, तीर्थों को और नदियों को नहीं भूलना। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस बात को बताते चलेंगे, वो हमारा भारत है। ठीक है, 1947 से आज हमारे साथ नहीं है, एक दिन आएगा जब भारत हमारे साथ होगा। उन्होंने देखा जन्म स्थान है, ननकाना साहेब हमारा, हिंगलाज देवी का मंदिर है हमारा है, वो ढाकेश्वरी का मंदिर है वो हमारा है, वो तक्षशिला, वो चाणक्य का स्थान हमारा है, वो पाणिनि का स्थान हमारा है, जहां बौद्धों के बड़े बड़े स्थान थे वे हमारे थे, आज हमारे नहीं है, आज हमारे पास नहीं है। और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते मनाते आनंद में अपने को ऐसा नहीं हो जाना वो स्थान विस्मृत हो जाए। और इसलिए विभाजन के कारण से अपनी जो मातृभूमि खंडित हुई, जो देश विदेश में बदल गया, जो देश परकियों के और हिंदू विरोधियों के हाथ में चला गया, उसको समय आने पर हम फिर से ग्रहण करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बातें अब दो हैं। क्रमांक एक, इस्लाम ने हमारे लिए क्या कर दिया और ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, आजादी के बाद अपने को ठीक करना। इस्लाम ने जो एक काम किया, कैसे भी हिंदू को समाप्त कर दिया जाए, हिंदुओं के देव स्थान समाप्त कर दिया जाए, हिंदुओं के ग्रंथालय को अंगार लगा दो, हिंदुओं पर टैक्स लगाओ, जजिया लगाओ, तीर्थ यात्रा का टैक्स लगाओ, और किसी भी प्रकार से मतांतरण करते करते वे आबादी बढ़ाते थे। अपने को ध्यान में रखना चाहिए जो 800 वर्षों में हुआ है उसको कैसे ठीक किया जाए, तब वो स्वतंत्रता है हमारी। जो 800 वर्षों में अत्याचार हुआ और जो हम नहीं थे हम बना दिए गए, उसको कैसे फिर से मूल स्वरूप में हम ला सकते, तब हमारा सम्मान फिर से वापस आएगा।